तो आप लोग आए हो अच्छे होंगे। तो मैं आज जा रहा हूँ अल्फ्रेडो सॉस का बेस बनाने। चलो दिखाते हैं कैसे करके बेस बनाया जाता है। तो ये है हमारा शेफ, तो हमारा शेफ थोड़ा बताएगा कितना किलो मैदा में कितना किलो बटर यूज होता है। तो मैं आ चुका हूँ, अब व्हाइट सॉस का जो बेस होता है मैं बनाने आ चुका हूँ। अभी पिकल प्योर वाला पिकल का कपड़ा है, चलो थोड़ा तो इसमें 17 किलो बटर जो है डाला जा रहा है। और जो मैदा है होगा 30 किलो, 30 किलो मैदा ऐड होगा। इसको 50% पकाया जाएगा, 50% जब तक इसमें ऑयल ना छोड़े उस टाइम तक पकाया जाएगा। तो हमारा जो बटर है, बटर अभी पिघलने लगा। हमारा बटर अभी आधा गर्म हो चुका है। इसको पकाने में 2 आदमी चाहिए। तो गाइस देख सकते हैं हमारा बटर अभी गर्म हो चुका है। हम अभी इसमें मैदा डालेंगे। मैदा लेके आ चुका है 30 किलो का कट्टा। अभी इसको ओपन किया जाएगा। तो गाइस देख रहे हैं अभी इसमें मैदा ऐड हो रहा है। A few moments later. तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ भी 30% पका है और 30% पकाएंगे। तो अभी भी बहुत टाइम लगेगा, कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही। 40 मिनट हो चुका है। देख सकते हैं अरूप का पूरा सिर बिक चुका है। तो अभी मेरा भी बारी आ चुका है खिलाने का। तो ये अभी 40% पक चुका है। ये बहुत मेहनत लगता है, मेहनत से पकाना पड़ता है इसको। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ जल जाता है नीचे। देखो कितना पसीना छूटता है, देखो ये बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत। शरीर पे एनर्जी चाहिए, एनर्जी होता है करने के लिए। ये 40% हो चुका है। देखो हालत, देखो हालत देख के ही पता चल जाएगा आपको कैसा मेहनत लगता है। तो गाइस देख सकते हैं हमारा रूह बन के तैयार है। तो इसका देखिए ऑयलनेस आ चुका है इसका। तो इसको अभी उतारा जाएगा, ठीक है। यह है हमारा कटोरा रेडी है। तो चलो इसको खाली करते हैं। वीडियो देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।